बुधवार को टाटा ट्रस्ट के सीईओ श्रीनाथ नरसिम्हन ने 11 बजे मनपा व टाटा ट्रस्ट द्वारा संचालित इंदौरा प्राथमिक आरोग्य केंद्र को भेंट दी और चल रहे काम का जायजा लिया। मनपा व टाटा ट्रस्ट द्वारा संचालित इंदौरा प्राथमिक आरोग्य केंद्र को टाटा ट्रस्ट के सीईओ श्रीनाथ नरसिम्हन ने बुधवार को भेंट दी, जिस दौरान उन्होंने प्राथमिक आरोग्य केंद्र में चल रहे हर काम का जायजा लिया और हर चीज का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका में हमारे जो अर्बन हेल्थ सेंटर शुरू है, इन सभी को अपग्रेड करना, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें वर्तमान वातावरण से एजुकेट करके अपग्रेड करना, उसके एस्टेब्लिशमेंट में जो मशीनरी से लेकर के सारी सुविधाएं सिंक्रोनाइज करके उपलब्ध कराना, ये सब पिछले 3 वर्षों से शुरू था। यह इस दिसंबर में समाप्त हुआ, उसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड नागपुर महानगर पालिका ने किया है। यह और आगे आने वाले 3 वर्ष तक के टाटा ट्रस्ट हमें इसमें सहयोग करें, कारण कोरोना की जो पेंडेमिक स्थिति थी उसमें उस टीम का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और हम लोग कर सके। इसी के साथ साथ हमारे सदर डायग्नोस्टिक सेंटर में भी हमारा जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, वहाँ भी सारी मशीनरी से लेकर के सारी व्यवस्था टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई है, जिससे गरीबों को बहुत अच्छे प्रमाण में फ़ायदा होता है। वह भी कंटिन्यूएशन में टाटा ट्रस्ट हमारे साथ रहे, ऐसा निवेदन हमने उनसे किया है। उन्होंने उसमें भी सकारात्मक सहयोग करने की बात की है। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आने वाली आज़ादी की 75वीं जयंती निमित्त जो 75 नए दवाखानों का निर्माण कर रही है, उसमें भी टाटा कंसल्टेंसी के माध्यम से, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से हमें अच्छा सहयोग मिले और उसमें उनके मार्गदर्शन में हम इस योजना को चलाते हैं, तो एक एक्सपर्टीज़ हमारे साथ में होगा और हम लोग नागरिकों के साथ अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे। उस दिशा से भी सहयोग की हमने बात कही, जो उन्होंने सकारात्मक रूप से, हम इस पर पॉजिटिवली विचार करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। एक बात हमने उनसे और कही कि हमारे और 2 यूनिट आ रहे हैं जो 30-बेडेड इंडोर यूनिट हो गए, इसके भी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के सारी मदद उन्होंने करनी चाहिए, उसमें भी उन्होंने अपना सकारात्मक सहयोग दिया है। एक अच्छी चर्चा हुई है और जो कार्य टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शुरू है, आगे भी 3 वर्षों तक और जागे रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास। इस दौरान अस्पताल की डॉक्टर से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल का नवीनीकरण कई फेज में किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ अस्पताल के बाहरी हिस्से को ही नहीं बल्कि बहुत सी तकनीकों में भी परिवर्तन आया है। एक्चुअली विजिट इस पर्पस के लिए थी कि जो पहले जो यूपीएससी ने, जो मतलब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो पहले जो था, जो उसका पूरा नवीनीकरण हुआ है, फेज वाइज किया है इन टाटा ट्रस्ट ने, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो नवीनीकरण की क्या दिशाएं थी और कितना उसमें वो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज को देखने के लिए। सिर्फ बिल्डिंग का नवीनीकरण नहीं हुआ है कि बिल्डिंग में प्रॉपरली सब चीजें, मतलब पेंटिंग से लेके हर चीज, मतलब हर स्टाफ के लिए अलग रूम, डॉक्टर्स के लिए स्पेशल रूम, ये सब चीजें नहीं, बाकी इसके हिसाब, इसके अलावा भी जैसे मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस कि अपन हर चीज अपने वो हो गई है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन एंट्रीज है, पेशेंट की ऑनलाइन एंट्रीज है, ऑनलाइन एंट्री के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, फार्मेसी भी अपग्रेड हो गई है, तो हर चीज के लिए, तो पेशेंट की सुविधा के अनुसार सब चीजें हुई हैं। और पेशेंट, उसके कारण जो पेशेंट जो है, पहले नंबर बहुत कम था पेशेंट्स का, जैसे अभी पहले पेशेंट के 30 या 40 का नंबर था, अभी 100-150 के ओपीडी हो गई है, क्योंकि पेशेंट को भी लगता है ना कि इतना जैसे प्राइवेट सेटअप जैसा यहाँ पे पूरा है चीजें, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इतना अपने को मिल रहा है, सुविधाएं जो मिल रही है, जन सुविधा मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उनको लगता है कि उस चीज का हमें भी वो उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। कोरोना काल को देखते हुए ये जरूरी है कि मनपा की ओर से ऐसे सभी सरकारी अस्पतालों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में और अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।